हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ CGKV के बारे में, इसके सारे प्रोसेस के बारे में, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, रिजल्ट कैसे चेक करना है, एडमिशन कैसे लेना, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं CGKV एडमिशन 2023 एप्लीकेशन सून डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न सिलेबस, इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे CGKV एडमिशन 2023 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीजिंग सून फॉर वेरियस कोर्सेज। तो सभी कोर्सेज के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्दी रिलीज़ होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्म फिल कर लेना है, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, करंट स्टेट, किस स्टेट में आप रहते हैं, करंट सिटी किस सिटी में आप रहते हैं, इंटरेस्ट कोर्स किस कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है, फिर आपको गेट फी कौन सी पे क्लिक कर लेना है। इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू CGKV एडमिशन 2023 से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको फ्री आपको असेसमेंट्स कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय इज़ ए UGC एक्सेप्टेड स्टेट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अंडर द CGKV एक्ट 2011। तो ये आपका छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय जो है वो आपका CGKV एक्ट 2011 के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। ये आपका UGC एक्सेप्टेड स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे दिया गया है द यूनिवर्सिटी टेक्स 3 कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज। तो ये तीन घटक में ये कॉलेज है, यानी कि आपका एक है कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल्स हस्बेंड्री, और आपका है दुर्ग कॉलेज और कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी रायपुर, एंड आपका है ऑफ फिशरीज कवर्धा। तो आपका ये तीन कॉलेज हैं, तीन कॉलेज में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे दिया गया है ये जो है नोटिफिकेशन में भी आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी आपका रिलीज़ होने वाला है। तो एप्लीकेशन डिटेल्स जानने के लिए आपको क्लिक हियर पे क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स जान सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है, इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, ये इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए ये यूनिवर्सिटी में, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है और एडमिशन ले लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पे हाईलाइट्स किए गए यूनिवर्सिटी का नाम CGKV छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय। कोर्स है आपका UGPG अदर कोर्सेज। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना ऑफिशियल वेबसाइट का दिया गया है। स्टेट आपका छत्तीसगढ़ है, कंट्री इंडिया है, और यहाँ पे कोर्स है UG कोर्स आपका BTEC है, BFS साइंस है और आपका BSc है, और PG कोर्स है यहाँ पे MTEC है, MSc है, MFSA है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिलीज़ होगा, और यहाँ पे लास्ट डेट आपका थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। तो ये डेट आपका कंफर्म नहीं है, इसकी वजह से आपका मेंशन नहीं है यहाँ पे। जब डेट कंफर्म हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका PG कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है आपको। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्दी रिलीज़ होने वाला है। तो जो भी एप्लीकेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो छत्तीसगढ़ स्टेट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाएगा, वो आपको अपना फिल कर लेना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और आपका डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, हाई कोर्ट मतलब हाई स्कूल सर्टिफिकेट लगेगा, एज प्रूफ, और आपका मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, स्कोर कार्ड लगेगा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का स्टेट लेवल का जो रहेगा, और अदर रिलेवेंस डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके पास। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के लिए आपको 17 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, और आपका 31 दिसंबर से पहले आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाना चाहिए, और यहाँ पे आपका 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में,
और आपको यहाँ पे 50% मार्क्स रहने चाहिए 12th में OBC जनरल NRI कैंडिडेट के लिए। और आप अगर आप ST SC हैं तो आपको 300 मार्क्स का 100% का मतलब रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, यानी कि 40% होना चाहिए। BTech के लिए आपका 17 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और आपका 12th पास होना चाहिए, और उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, और 50% मार्क्स होना चाहिए, और ST SC वालों के लिए 40%। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस आपको देख लेना है जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाना है, और आपको 100 वो सिलेबस देख लेना है कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड फिल कर देना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है जो कि आपको काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के दौरान काम आएगा। यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट कैसे चेक करना है, रिजल्ट चेक करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ रोल नंबर फिल करके सबमिट कर देना है, रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं एडमिशन और काउंसलिंग का। एडमिशन कैसे आपको लेना है, एडमिशन लेने के लिए आपको आपने जो मेरिट लिस्ट एग्ज़ाम दिया रहेगा छत्तीसगढ़ स्टेट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से, आपका उसमें रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम होगा, अगर आपके अच्छे मार्क्स रहेंगे तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको फीस पे कर देनी है। काउंसलिंग आपको चेक करते रहना ऑफिशियल वेबसाइट पे कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो ऐसे ही आपको करना। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया गया वहाँ पे जाके चेक करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।